आप हमसे हार हार के थक गई, लेकिन हमें तो आपको हराने में बहुत मजा आता था। अब सोचिए ना, हमारी उम्र की तो कोई सीमा नहीं, और आप चाहती हैं इस लंबी सी जिंदगी में हम बिना अपने प्रिय सुख के रहें? हम आपसे भीख मांगते हैं बड़ी रानी माँ, हमारे बच्चों को बख्श दीजिए। भीख देना तो रजवाड़ों की शान होती है, और आप मरने की भीख मांग रही हैं, तो हम आपको मना कैसे करें? हम आपको मौत देंगे बहुरानी, पर आसान मौत नहीं दे पाएंगे। दरअसल आपने हमसे हमारा बेटा, हमारा अमीर कोट, हमारा सिंहासन, हमारा ताज छीन लिया। आपको देख देख कर हम इतने साल चले हैं कि बहुत गंदी वो जलन खत्म नहीं हुई, और देखो हम डाकिनी बनकर लौट आए हैं। इसलिए हमें आपकी बलि नहीं चाहिए, हमें आपको आहुति देनी पड़ेगी। आपको जिंदा जल के मरना होगा प्रियंवदा। अगर आप तैयार हैं तो हम आपको वचन देते हैं कि आपके बच्चों को हमसे कोई खतरा नहीं होगा। सच? वचन तो ऐसे मांग रही है जैसे राम राज्य हो, यहाँ डाकिनी का राज है बहू रानी। वचन देकर पलट जाना हमारा धर्म है। वचन तो हम दे चुके, सच क्यों कह रही हैं आप? अगर हमारे बच्चों की जान की कीमत यही है तो ये कीमत हम चुकाएंगे बड़ी रानी माँ। नहीं दादू, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। डोंजी, डोंजी! अब तुम कुछ नहीं कर सकते बालक, सौदा हो चुका है। हम जानते थे कि तुम हमें बचाने की जरूर कोशिश करोगे, लेकिन अब ये यज्ञ बहुत बढ़ चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा, कुछ नहीं कर सकते। दादी, दादू आप क्या कर रही हैं? दादू जी, दादू, दादू जी, दादू ऐसा मत कीजिए। दादी, दादू जी, दादी, दादू नहीं, दादी आप, दादू जी आप क्या कर रहे हैं? दादू, दादू नहीं, दादी बस अब तुम दोनों भी अपने कमरे में जाओ, हम बिल्कुल ठीक हैं। जाओ हमारी बहू को अपने कमरे में ले जाओ, वरना तुम दोनों को डांट पड़ेगी। जा। हम कहीं नहीं जाएंगे। कहीं भी नहीं। ठीक है। तो फिर तुम दोनों हमसे एक वादा करोगे। क्या दादू जी? अपने आने वाली नई जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, और नैना वो सब कुछ करेगी जो वो करना चाहती है, और तुम बुरे काम छोड़कर नया काम करोगे, उन लोगों की मदद करोगे जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते।
बहू रानी, आपको क्या लगा आप हमें बेवकूफ बना पाएंगे? बनाया तो हमने आपको है। बहुत अच्छी चाल चली आपने प्रियंवदा। आप अंदर नहीं आ सकते। कौन कहता है? आप? कौन रोकेगा हमें? आप? रानी को क्या बचा लिया आपने कि आपको लगने लगा आप हमें मात दे सकती हैं? शायद आप भूल गई हैं, कालाष्टमी की रात खत्म हो चुकी है प्रेमवदा। अब ना आप बचेंगी ना आपके ये चहेते राजा और नैना। डाकनी से छुटकारा दिलाने में हम असमर्थ हैं, पर हाँ हम तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें कुछ उपाय जरूर देंगे। ये तुम लोगों का सुरक्षा कवच है, इसे अपने घर के चारों तरफ बांध देना। हमने कहा था सासू माँ कि आप अंदर नहीं आ सकती। आपको लगता है आपका ये टोटका डाकिनी को रोक पाएगा? क्या हुआ डाकिनी जी? प्यार से बड़ी और कोई ताकत नहीं होती बड़ी रानी माँ, और अब इस घर की रक्षा प्यार करता है। आपका कोई भी तंत्र, कोई टोटका, कोई काला जादू प्यार को नहीं हरा सकता। हार और जीत का फैसला खिलाड़ी किया करते हैं राजा, तुम जैसे प्यादे नहीं। अब तो हार मान लीजिए सासू माँ। जिसने मौत को हरा दिया वो अपनी बहू से हारेगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम लौट कर आएंगे। वो हमसे नहीं जीत सकती। हमारी प्रेमवदा, हमारी काली शक्तियों से नहीं जीत सकती, नहीं जीतने दे सकती। किन शक्तियों की बात कर रही है तू? तेरे पास अब कोई शक्ति नहीं है। फिर आप हमारी मदद कीजिए बाबा। हम राजमाता को मारना नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता देखे। हमें बस राजा और नैना को बर्बाद करने भर की शक्तियां दे दीजिए बस। तुम बड़ी रानी माँ को नहीं जानती बेटा। बड़ी रानी माँ अच्छाई की जीत होते नहीं देख सकती, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो फिर लौटेंगी और हमारी खुशियों पर फिर वार करेंगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम दोनों के लिए हम अखंड पाठ पर बैठेंगे। हम तब तक बैठेंगे जब तक बड़ी रानी माँ का अंत नहीं हो जाता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, हमसे वादा करो कि उस सुरक्षा कवच को टूटने नहीं दोगे। जी दादू। कई सालों से मैं आपको इस मंदिर में देख रहा हूँ, न कभी पूजा की, न वंदना, न अर्चना। आज आप माता रानी पर फूलों की वर्षा कर रही है। आज हमारा इंतजार खत्म हुआ पंडित जी। आज हमारे रानी और राजा वापस आए हैं। माँ भवानी ने हमें हमारे बच्चे लौटा दिए।